हाई एवरी वन वेलकम टू मैग ब्रेन हिंदी मीडियम जहाँ पर आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश बिहार बोर्ड की रीड अ बुक का चैप्टर नंबर फाइव दैर इज सन एंड मून इस पूरे सेशन में हम इस पर्टिकुलर लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे बिल्कुल डिटेल में तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए दिस इज़ योर इंग्लिश educator पलक रख्यानी एंड मैं ये समझ पा रही हूँ सन एंड मून नाम दिख रहा है लेकिन मैम आपने पिक्चर तो लगाई है एक लग रहा है छोटे से बच्चे हैं और भाई और बहन लग रहे हैं ये तो सिबलिंग्स लग रहे हैं सो यू आर एब्सल्यूटली करेक्ट भाई सन एंड मून यहाँ पे हम सूरज और चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं दिस स्टोरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन टू सिबलिंग्स ये ब्रदर एंड सिस्टर हैं एंड ये पूरी स्टोरी बेसिकली ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी कि बच्चों की कैसी साइकोलॉजी होती है एंड अडल्ट जो हैं उससे कैसे कोप अप नहीं कर पाते हैं सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये बिफोर वी बिग्ञान दि स्टोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जल्दी से मैग्नेट विन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलती है एथ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक सभी सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स ये नोट्स आप ले सकते हैं ताकि आपको जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें साल भर हेल्प मिलती रहे प्लस एग्जाम टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं वहीं से जाके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं लेट्स बिगिन विद द सेशन अबाउट सन एंड मून अगेन नाम सुनते ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सो so, मैं आपको एक ऑथर के बारे में बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इन्हीं टाइप के सेंटिमेंट्स पे अडल्ट एंड चिल्ड्रन पे उनकी कहानी रहती है इससे पेरेंट्स और उनके बच्चों की जो साइकोलॉजी है कोई दूसरा जो है आपस में समझ नहीं पाते हैं सो so, राइटर का नाम क्या है देख लेते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड 1888 टू 1923 इज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यानी ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं हर स्टोरीज फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द रशियन राइटर चेखोफ शी वाज एन इंप्रेशनिस्ट इन हर आर्ट

जो हम घर में बैठे बैठे आपस में एक नहीं ह्यूमन फीलिंग जो होती है ह्यूमन इमोशन है उसके बारे में बात करती है ठीक है और जो है इनकी हॉन्टिंग सेंस ऑफ सैडनेस एंड सिंपथी सिंपथी बेसिकली दूसरे इंसान के लिए इमोशन लाना ठीक अ फीलिंग ऑफ सिंसियर कंसर्न फॉर समथिंग यानी कोई इंसान आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि हम सोचते हैं हम क्या सोचते हैं यार ये तो बच्चे हैं है ना बच्चों को क्या ही फील होता होगा क्या ही समझ आता है बट ऐसा नहीं है शी हैज़ फोकस्ड स्पेशली ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी सो so, यही पूरा वीडियो होने वाला है एंड अगेन हम भी सब तो बच्चे रहे हैं एक टाइम पे आप लोग तो खैर अभी भी हो टेंथ क्लास में हो लेकिन उससे भी जब छोटे हो गए भाई तब की बात है ये ठीक है तब कैसे साइकोलॉजी होती है बच्चों की और किस तरह से उन्हें चीजें अफेक्ट करती है हर टच वॉज ऑलवेज राइट एंड एक्यूरेट हर ग्रोथ वॉज डायरेक्टेड टूवर्स द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड मेच्योरिटी ऑफ विजन सो लेट्स बिगिन विथ दी जो है हमारी जिसका नाम है सन एंड मून अगेन सन मैं आपको बता देती हूँ बोलोगे को मैम सूरज है बिल्कुल सही बात है सन तो सूरज होता है लेकिन इस स्टोरी में सन जो है एक बॉय है एक लड़के का नाम है मून जो है एक गर्ल का नाम है ये दोनों ही सिबलिंग्स होते हैं यानी भाई बहन होते हैं ठीक है सो so, अब इनकी जो कहानियाँ हैं सन एंड मून पे है जो कि एक टाइप की आयरनी भी होती है इनकी कहानियों में आपने देखा होगा आयरनी में इन्होंने मास्टरी कर रखी है अब आयरनी क्या होती है सो so, आयरनी बेसिकली

वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज़ वंडरफुल है ना इट वॉज़ वंडरफुल लेकिन तुम्हें पता है कितना बेकार दिन गया सो आयरन ही इज़ दैट वे ऑफ स्पीकिंग यानी किसी बात को कहने के लिए आप जो है ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ करते हैं ठीक सो इनकी जो कहानियाँ हैं ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं ठीक है जो उन्होंने लिखी हैं प्रल्यूड हो गई टू द बे द फ्लाय द गार्डन पार्टी ये सब बताती हैं कि कैसे ये सटल साइकोलॉजी पे फोकस करती हैं साइकोलॉजी पर इंसान की फोकस करती हैं This story shows the author's sensitive perception of subtle feelings and emotions, especially of children, whose heart and mind she studied with विद rare insight यानी ऐसी चीज़ तो शायद कोई कभी सोच ही na paye कि यार एक 5 छः साल के बच्चे क्या ही सोचेंगे इनमें इतना ही दिमाग है लेकिन नहीं इनकी जो है ये जो हमारी ऑथरेस हैं इनकी नज़र इतनी जो है भाई तेज़ है ये इतनी अच्छी से उन बच्चों की फीलिंग्स को समझ गई ठीक है तो अब शुरू करते हैं फाइनली से सन एंड मून के बारे में पार्ट वन दो पार्ट में स्टोरी डिवाइडेड है ठीक है सो so, पार्ट वन पे जब हम बिगेन कर रहे हैं तो हमारा फोकस है दोनों भाई बहनों पे कि कैसे उन्हें तैयार किया जा रहा है क्या तैयारियां चल रही हैं यानी कुछ तो ओकेजन है लेट्स सी इन आफ्टरनून द चेयर्स केम अ होल बिग कार्ट फुल ऑफ लिटिल गोल्ड वंस विद लेग्स इन द एयर एंड देन द फ्लास केम व्हेन यू स्टेड डाउन फ्रॉम द बालकनी एट द पीपल कैरिंग देम

एब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज़ में बॉल पार्टी बेसिकली होती है बॉल रूम डांसिंग पार्टीज लाइक लोग अपने घर में एक पार्टी थ्रो करते हैं ऐसा करके और उसमें बहुत ही ज़्यादा तैयारियां करेंगे बढ़िया चेयर वेयर रखेंगे बिल्कुल जी है वाइन होगी वहाँ पे एंड बहुत सारा खाने पीने का स्टफ़ होगा घर को डेकोरेट करते हैं रोजेस से बढ़िया बढ़िया बिल्कुल टेबल को सजा रखा है एवरीथिंग वेरी नाइस एंड देन वहाँ पे वो इनवाइट करेंगे लोगों को कपल्स को बॉल रूम डांसिंग होगी ठीक है सो ऐसा होता है तो इनके पेरेंट्स जो सन एंड मून है इनके पेरेंट्स ने बॉल पार्टी अरेंज की है तो अब समझ आया कि ये जो तैयारिया तैयारियां हो रही हैं इसी के लिए कि दिन के टाइम में चेयर आ रही है और जो है बहुत सारी चेयर्स आ रही हैं फूल आ रहे हैं बहुत सारे लोग लेके आ रहे हैं फ्लावर पॉट्स लेके आ रहे हैं तो ऐसे ही बस डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि कैसे जो है ये फ्लावर पॉट्स बहुत ही फनी लग रहे हैं ऑफली नाइस ऑफली का मतलब होता है वेरी नाइस ठीक है चलो मून थाट देवर हैट्स और मून को ऐसा लग रहा था कि लोग जो है अच्छा तुम एक इमेजिन करो है ना थोड़ा तुमको इमेजिन करना होगा द बात का मतलब है देखो क्या जैसे मान लो बेटा ये एक फ्लावर पॉट है ठीक है अब ये एक फ्लावर पॉट है तो हंसना मत है ना ड्राइंग पे भाई इसी टाइप का फ्लावर पॉट होता है ना कैसा होता है ठीक है अब मान लो ये एक फ्लावर पॉट है अब किसी इंसान ने कोई इंसान आ रहा है उसने है ना जो वर्कर्स होते हैं अब वो फ्लावर पॉट लेके आ रहे हैं तो फ्लावर पॉट कैसे लाएंगे ऐसे सर पे ऊपर उठा के जैसे मटका नहीं लेते हैं अपन इंडिया में मटके को तो ऐसे रखते हैं फ्लावर पॉट को उसने उल्टा करके रखा होगा तो ये ऐसा लग रहा है

और हमें पता है जब हम बच्चे होते हैं तो हम हर किसी बात पे हंसने लगते हैं ठीक है सो शी सेड लुक इज अ मैन वेयरिंग अ पाम ऑन हिज हैड बच्ची नेवर न्यू द डिफरेंस बिटवीन रियल थिंग्स एंड नॉट रियल वन उसको है ना असली और नकली चीजों में डिफरेंस ही नहीं समझ आता जैसे कोई आदमी सर पे चेयर लेके आ रहा है तो उसको कहती है देखो वो जो है पाम लेके घूम रहा है अपने सर के ऊपर देर वॉज नो वरी टू लुक आफ्टर सन एंड मून देखो अब होता क्या है यहां पे जो इनके पेरेंट्स रहते हैं ना बहुत ज्यादा देर आर मेनी कंट्रीज देखो इंडिया की बात तो खैर काफी अलग है क्योंकि इंडिया में

कैसे अपनी पार्टी के लिए दोनों मम्मी पापा व्यस्त हैं ठीक है अब अगेन मैं आपको रिमाइंड कर दू अपने कल्चर की कहानी नहीं है ये बाहर के कल्चर की कहानी है तो मोस्टली वहां पर ऐसा होता है ठीक है पार्टीज है तो जो है कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा है बच्चे हैं यार दोनों छोटे से उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है मम्मी जो है भाई ड्रेस ऑल्टर करा रही है ऑल्टर यानी ड्रेस अपन कोई लेके आते हैं तो टाइट या लूज होती है ना तो उसकी फिटिंग ऑल्टर करा रही है उसकी मम्मी और उनको कोई होश ही नहीं है वो बिल्कुल फ़ोन लेके घूम रही हैं हाथ में एंड उसके फादर को कॉल कर रही है कि ये चीज़ भूलना मत लेके आना है ना बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट है तो कुछ भूलना मत पार्टी के लिए शी ओनली है टाइम टू से आउट ऑफ माई वे चिल्ड्रन तो यानी वो ख्याल तो रख नहीं रही है मानी बच्चों को कोई देख नहीं रहा कोई पूछ नहीं रहा सिर्फ इतना बोल रही थी वो बच्चों को आउट ऑफ माई वे साइड हो जाओ है ना कि परेशान मत करो मैं तैयारी कर रही हूं यहां से साइड हो जाओ ठीक दे द नर्सरी इट डिजेंट मैटर अबाउट मून अच्छा सेंड बैक टू द नर्सरी अब मैं आपको बताती हूँ नर्सरी क्या होता है नर्सरी बेसिकली ऐसे टाइप के जो हैं जगह होती हैं प्लेसेस होती हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखा जाता है कि बेसिकली यूजअली क्या होता है जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं बहुत मदर एंड फादर ऑफ वर्किंग या फिर वर्किंग नहीं भी हों तो जैसे फॉरन कंट्रीज में उनके पास टाइम नहीं रहता है दे वॉन्ट टू लिव देअर ओन लाइफ तो नर्सरी में बच्चों को रखा जाता है तो जैसे ही मम्मी ने कहा साइड हो जाओ तो 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 सबसे पहले तो मून बिल्कुल तो बिल्कुल ही ही सन सन जो है सन तो बिल्कुल ही साइड हो जाता है सन कौन है बड़ा भाई क्योंकि अब यहाँ पे अगर हम सन की पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा समझे तो वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं नर्सरी में पले बड़े बच्चे जो मदर फादर का इतना उनको नहीं मिला है अफेक्शन तो बिल्कुल ही वो स्टबर्न टाइप के हो जाते हैं तो वो तो बिल्कुल ही साइड हो गया कि मम्मी ने बोला साइड हो तो साइड हो जाता हूँ नहीं तो ये फालतू में अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे फिर से नर्सरी में भेज देंगे बेसिकली नर्सरी आप समझ सकते हो जैसे इंडिया में अपन कहते हैं बोर्डिंग स्कूल है ना तो वैसी टाइप की चीज़ें समझ लो लेकिन मून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मून कौन है छोटी बहन है अब ऐसा होता है बड़े और छोटे में से जो छोटी बहन होती हैं अगर सिस्टर हो तो तो वो बिल्कुल ही मस्तीखोर होते हैं ना उनको ज़्यादा समझ भी नहीं होती है ठीक तो वो जो है अपनी मस्ती में रहती थी

तो यानी अब यहाँ पे हम ये भी समझ पा रहे हैं कि सन जो है वो थोड़ा सन जो है कौन है भाई थोड़ा हैवी है वो है ना मोटू सा गोलू सा बच्चा होगा वो तो इतना बोलते हैं कि वो इतना फैट था कि डिनर बनाने जो आता जो आदमी डिनर के लिए आता था संडे को उनके घर पे उनको उठाने की कोशिश करता था सन को और जैसे ही वो उठाता था कहता था भाई तुम तो ऐसा लग रहा हो बिल्कुल ही ना ईटों से भरे हो तुम इतने भारी हो ठीक ये लाइन जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही है चीजों का ठीक नियरली ऑल दी फर्नीचर वॉज टेकन आउट ऑफ द डाइनिंग रूम तो डाइनिंग रूम से जितना भी फर्नीचर है अब फर्नीचर बेसिकली क्या होते हैं जो डाइनिंग रूम में टेबल रखी है चेयर रखी है, है ना बाकी सारी जो है बेड्स अगर कुछ भी रखे हो तो उन सबको बाहर निकाला जा रहा था सो देख के ये समझ आ रहा है कि जो बॉल पार्टी है वो कहां होने वाली है डाइनिंग रूम में होने वाली है द बिग पियानो वॉज पुट इन अ कॉर्नर एंड देन देर ऑफ फ्लावर पॉट्स एंड देन केम द गोल्डी चेयर्स तो पहले तो फर्नीचर सारा हटा दिया अब एक बड़ा सा पियानो जो है इनने लाके रखा था कॉर्नर में उसी के ऊपर फ्लावर पॉट्स बढ़िया सजे हुए तो आई होप सबको फील भी आ रहा होगा है ना कि एक बॉल पार्टी होने वाली है बढ़िया पियानो रखा है फ्लावर पॉट्स रखे हैं एंड गोल्डी जो है चेयर्स वहां पे आके रख दी गई है दैट वाज फॉर द कॉन्सर्ट व्हेन सन लुक्ड इन अ व्हाइट फेस्ड मैन सैट एट दियानो नॉट प्लेइंग बट बैंगिंग एट इट एंड देन लुकिंग इन

तो बेसिकली उसने देखा कि पियानो के पास एक वाइट फेस्ड मैन थोड़ा गोरे रंग का जो है आदमी बैठा हुआ है जो कि पियानो को बजा तो नहीं रहा है लेकिन उसको ऐसे ठक ठक कर रहा है उसको अंदर से देख रहा है कि ये ठीक तो है सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ कुक ब्रॉट इन द थिंग्स एंड ही पुट देम ऑन द डिशेज एंड ट्रिम्ड देम ओके ओके चलो आगे आते हैं अपन एक ज्यादा ही आगे बढ़ गए यहाँ पे आना है बट ऑफकोर्स द प्लेस टू बी इन वॉज द किचन

आमंड फिंगर अच्छा तुमने अब जैसे अगर मैं बताऊं तो अपन कुकीज खाते हैं ना कुकीज जैसे करके तो उसी टाइम के यहाँ पे आमंड फिंगर्स होते हैं इस टाइप के तो एक, एक जो है उन्होंने दोनों बच्चों को दिया और उनको ऐसे उठाया और जहाँ पे जो है अपना किचन का जो प्लेटफॉर्म जैसे अपन मान सकते हैं वहाँ पे उन दोनों को बिठा दिया क्योंकि छोटे से थे वो तो वहां से देख नहीं पा रहे थे ऊपर बिठा दिया तो वो लोग आराम से देख रहे थे कि कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें जो है किचन में बन रही हैं मेकिंग फॉर सपर नाउ दिस इज नॉट एस यू पीई आर दिस इज एस यू डबल पीई आर सपर का बेसिकली मतलब होता है मेन मील है ना खाने को हम सपर कहते हैं जो कि यूजली इवनिंग में लिया जाता है कुक ब्रॉट इन दिंग्स एंड पुट दम ऑन डिशेज एंड होल फिशेज विदेड एंड आईज एंड टेल्स डिल ऑन स्प्रिंकल्ड विद रेड एंड ग्रीन एंड येलो बिट्स ऑल ओवर द जेलीज कॉलर ऑन एंड पुट अ वेरी थिंग इन इट He dotted almonds and tiny round biscuits on the creams and more and more things kept coming. So अब मैं आपको बता दूँ reader book में जो है कहानियाँ थोड़ी और explain detail में लिखी जाती हैं So इसके summary बता देती हूँ जो cook हैं वो अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके आए उन्होंने जो है dishes रखी बहुत सारी fishes थी और उनको पकाया उनको बनाया He made swiggle, swiggle basically क्या होता है Jelly होती है ना red color की jelly। तो जेली पे ऐसे linings बनी रहती है तो वैसे उन्होंने सारी linings बनाई jelly पे है ना, हैम बना रहे थे वो आमंस डॉटेड और बिस्किट रख दिए क्रीम्स रख दिए बहुत सारी चीजें आए जा रही थी यानी पार्टी की बिल्कुल तैयारियां चालू हैं ओ बट यू सीन द आइस पुडिंग कुक तो फिर मतलब कुक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि अच्छा बच्चों तुम लोगों ने आइस uh, पुडिंग तो देखी ही नहीं है आ जाओ कम अलोंग मैं तुम्हें दिखाता हूँ वाई वॉज शी बींग सो नाइस थॉट सन एज शी गेव ईच अ हैंड यानी सन जो है अब अगेन इसकी साइकोलॉजी आप समझो सन पे यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि ये थोड़ा बड़ा बच्चा है घर का तो अब ये सोच रहा है कि कुक मेरे से इतने अच्छे से आज क्यों बात कर रही है क्या हो गया इसे है ना शी सो नाइस है ना सो so, सन ने सोचा एंड देन एक दोनों का हाथ दिया गेव हैंड यानी उनको लेके गई हाथ पकड़ के लेके जाते हैं ना फ्रिज के वहां पे है ना और उन्होंने रेफ्रिजरेटर में देखा ओ इट वॉज अ लिटिल हाउस इट वॉज अ लिटिल पिंक हाउस विद वाइट स्नो ऑन द रूफ

उसने वो नट देखा हैंडल होता है ना हैंडल जैसे दरवाजा खोलने का हैंडल तो उसकी जगह पे उन्होंने क्या लगा दिया था एक नट लगा दिया था है ना तो उस नट को जैसे ही देखा सन ने वो बहुत ही थक गया लीन लीन कैसा होता है जैसे ये बोर्ड है तो मैं अगर इस बोर्ड पर ऐसे टिक्के खड़ी हो गई तो ऐसे ही सन जो था लड़का वो कुक के पास ऐसे टिक्के खड़ा हो गया लेट मी टच इट जस्ट लेट मी पुट माई फिंगर ऑन रूफ सेड मून डांसिंग यानी अब जो मून है वो तो छोटी बहन है छोटी सी है वो तो बढ़िया हाँ खुशी से कहती है कि मुझे प्लीज इसे तो टच करने दो मुझे तो बहुत ही मस्त सा लग रहा है बिल्कुल डांस करते हुए वो खुशी से कह रही थी शी ऑलवेज वॉन्टेड टू टच ऑल द फूड वो जो है हमेशा एक्साइटेड रहती थी कि मुझे ये खाना देखना है मुझे खाना है मुझे तो टच करना है लेकिन सन को इतना फर्क नहीं पड़ता था एंड आई होप अगर आप अपने घर में सिबलिंग्स हो भाई बहन हो अगर आप बड़े वाले हो तो आपको पता है एंड इफ यू आर दी ओल्डर वन सो यू नो आपके लिए काफी चीज़ों का एक्साइटमेंट कम रहता है जितना ज्यादा एक्साइटेड आपके छोटे भाई या बहन होते हैं तो यहाँ पे सेम केस वही है नाउ माई गर्ल लुक शार्प विदेबल सैर कुक एस दाउसमेट के कुक ने कहा अब देखो टेबल पे देखो है ना जैसे हाउस मेट अंदर आती है तो कुक ने कहा यहाँ पे देखो टेबल पे देखो इट्स पिक्चर लुक वहां पे एक पिक्चर थी सो दे ऑल वेंट इन टू द डाइनिंग रूम सन एंड मून व ऑल ऑलमोस्ट लाइटेड ऑलमोस्ट लाइटेड यानी बिल्कुल ही वो uh, चौक गए उस चीज को देखे बिल्कुल ही ग्लैड हो गई कि वाओ कितनी बढ़िया सी चीज है

रोजेस थे जो कि टेबल्स यानी मान लो ऐसा एक टेबल है है ना तो टेबल के पे यहाँ पे जो है मस्त रोजेस लगा के रखे थे और रेड रिबन से बंधे हुए थे ठीक इन द अ लेक लेक रोज पेटल्स फ्लोटिंग ऑन इट तो एक में एक में छोटा सा यानी पॉन्ड टाइप का हल्का सा बना रखा था रूम में जिसमें जो है रोज पेटल्स उस पर पे फ्लोट, फ्लोट कर रहे थे सो आई होप आप सब रिलेट कर पाते हो हमारे यहाँ पे कभी कोई फेस्टिवल होता है दिवाली वगैरह होती है तो हम लोग भी ऐसे सजावटें करते हैं घर में सो सेम देर डूइंग फॉर बॉल पार्टी That's where the ice pudding is to be," said the cook. तो so, cook बड़ी खुशी से आके बताती है कि यहाँ पे जो है ये जो जगह दिख रही है ना यहाँ पे हम जो है आइस पुडिंग को रखेंगे ठीक है सो विच मीन्स एवरी वन इज वेरी एक्साइटेड फॉर द पार्टी Two silver lions with wings had fruit on their backs, and the salt cellars were tiny birds drinking out of basins. तो so, यहाँ पे अब जो है हम थोड़ी इनकी कटलरी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हैं इनके पास यानी जो हम कह सकते हैं बॉल्स हैं स्पून हैं कैसे हैं

कुक और जो नैली है यानी जो हाउसमेड है आपस में बात कर रही हैं कि क्या लोग खाना भी खाएंगे या फिर नहीं या फिर इस मस्त सजावट को ही देखते रहेंगे तो वो दोनों हंसी और मून जो थी यानी छोटी बहन वो भी हंसने लगी वो क्यों हंसती है मैं बताती हूँ क्योंकि वो जो है सबके साथ हंसती रहती है कोई अगर दूसरा इंसान हंसा उसको जोक समझ नहीं आया फिर भी वो हंसेगी बिकॉज अगेन शी इज वेरी यंग ठीक है छोटे बच्चे करते हैं ऐसा अगर सब हंस रहे हो तो वो भी हंसने लगते हैं बट सन didn't वॉन्ट टू लाफ अब यहाँ हमारी स्टोरी का जो हीरो है जिसकी साइकोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं सन की उसको नहीं आ रही थी हंसी इन बातों पे. राउंड एंड राउंड ही वॉक विद इज हैंड्स बिहाइंड इज बैग यानी वो बिल्कुल घर का बड़ा बच्चा होने के नाते वो बिल्कुल अपने बैक करके रखे थे हाथ और इधर उधर बस वो चक्कर लगा रहा था घर में कि भाई ये चल कह रहा है और हमारे लिए तो किसी के पास कोई टाइम है ही नहीं परवर वुड हैव स्टॉप इफ नर्स हैड कॉल्ड सडनली तो बस चक्कर लगा ही रहा था कि उनकी जो नर्स है यानी जो उनका ख्याल रखती है उन्होंने उनको बुलाया सडनली नाउ देन चिल्ड्रन इट्स हाई टाइम यू वो वॉश एंड ड्रेस्ड यानी अब वो उनको बुला रही हैं कि आओ भाई जल्दी से जो है बिल्कुल नहा धो लो और बिल्कुल तैयार हो जाओ चकाचक एंड दे वो मास्ट ऑफ टू द नर्सरी अब जो है उन्हें नर्सरी में लेके ज... लेके गए गए थे यानी अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन एंड बेबीज दैट पेरेंट्स कैन गो टू तो नर्सरी में ले कि चलो भाई अब जो है हम तुम्हें तैयार कर देते हैं मार्ज ऑफ का बेटा मतलब यहाँ पे होता है टू वॉक वेरी फास्टली जल्दी जल्दी उन्हें लेके गए मदर लुकड इन विदर हर शोल्डर शी वॉज रबिंग स्टफ ऑफ हर फेस

दे कैन बी सीन एंड गो यानी ये गेस्ट वगैरह इनको देख लेंगे एंड देन आप इन्हें वापस लेके जा सकते हो यानी इस टाइप का कल्चर जो है यूज कंट्रीज में फॉलो होता है जो स्टोरी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बच्चों को बस तैयार करके बढ़िया बोला कि आएंगे देखेंगे

Moon took ages. Took ages का मतलब है अब हमें पता है छोटे बच्चों को तैयार करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है 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 दुनिया का भाई तो मून जो इधर भक्ति रहती है. उसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है to show her the brooch टू something हर stuck out उसकी कर्ल्स यानी जो बाल होते हैं वो बनाने की कोशिश करेगी तो देन मून फिर कोई डिमांड करने लगेगी कि मुझे ये चीज दिखा दो ब्रोच बेसिकली क्या होता है आई थिंक आई होप आप लोग लगाते हो गए ड्रेसेस पे या साड़ीज वगैरह पे लगते हैं या जो मेल्स होते हैं वो भी लगाते हैं कोठियों पर ब्रोच यानी जो है ड्रेस को टकिन करने का एक पीस ऑफ ज्वेलरी होता है मस्त सा ठीक है शूज व व्हाइट विथ बिग ब्लॉब्स ऑन दें बिग ब्लॉब्स का मतलब है कि यानी उस उसपे जो है बहुत सारे पैचेस लगे होते हैं कलर्स के है ना जैसे मान लो जूता है कोई एक ही जूता है तो उस पर बढ़िया से कलर्ड ऐसे पैचेस लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट तो ऐसे जूते उसको पहना दिए गए देर आर यू आर माई लैम सेडनर्स एंड यू लुक लाइक अ स्वीट लिटिल शेरअ और अ पिक्चर ऑफ अ पाउडर पफ नर्स रश्ड टू द डॉ तो यानी अब फाइनली उसको तैयार कर दिया गया था और उसे कहती है कि तुम जो है बहुत ही स्वीट लिटिल शेरब बेसिकली एक छोटी सी एंजल को कहा जाता है जो बच्चों जैसी दिखती है ना बच्चे जो कि एंजल की ड्रेस में होते हैं और विंग्स लगाए रखे होते हैं तो उस टाइप की वो लग रही थी मैम वन मोमेंट मदर केम इन अगेन विद हाफ हर हेयर डाउन ओ शी क्राइड वर अ पिक्चर इज इन शी नर्स यानी देख के बोल रही है वाओ कितनी बढ़िया सी फोटो है ये एंड मून हेल्ड आउट अ स्कर्ट्स बाय द टिप्स एंड ड्रैग वन ऑफ फीट यानी इस टाइप से जो है वो फोटो खिंचवा रही है स्कर्ट होती है ना स्कर्ट तो उसने ऐसे पकड़ की है और एक पैर उसने ऐसे बाहर निकाला हुआ है सन डिडंट माइंड पीपल नॉट नोटिसिंग हिम मच तो सन को यानी लड़का है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था नाउ कमिंग अब ये तो पहली वाली कहानी होती है जिसमें पार्ट वन में हम किस क्या बात कर रहे थे पार्ट वन में हम ये बात कर रहे थे कि कैसे जो बच्चे हैं और घर में क्या तैयारियां चल रही हैं और सन तक मुझे समझ आ रहा है कि भाई सन जो है काफी डिसइंटरेस्टेड है जो लड़का है डिसइंटरेस्टेड है नाउ वी विल बिगिन द स्टोरी विद पार्ट टू आफ्टर दैट दे प्लेड क्लीन टाइडी गेम्स अप एट द टेबल वाइल नर्स स्टूड एट द डोर एंड वेन दैरियर जिस बिगैन टू कम एंड द साउंड ऑफ लाफ्टर एंड वॉइस एंड सॉफ्ट रफलिंग्स केम फ्रॉम डाउन बिलो शी विस्पर्ड Now then, children, stay where you are. Yani, अब जो हैं, उनके गेस्ट वगैरह आना चालू हो गए कैरियर बेसिकली क्या होते हैं एक ऐसी गाड़ी जो घोड़ो मतलब आगे घोड़े होते हैं हॉर्सेस चलाते हैं घोड़ा गाड़ी जिसे अपन कहते हैं तो इस टाइप की होती है आपने देखा होगा कुछ फॉरन की मूवीज होती है ना जो आजादी के टाइम की आप देखोगे तो ऐसे आपको दिखेंगे व्हीकल्स तो यानी हंसने खेलने की आवाज़ और ऐसा माहौल बन रहा है समझो आपके घर में ऐसी कोई गैदरिंग हो कोई पार्टी शार्टी हो तो ऐसी होती है ना मस्त हंसने खेलने की आवाज़ें कोई लोग बात कर रहे हैं तो अब जो है उन्हें कहा जाता है कि बच्चों अब जहाँ हो वहीं रहना तहस नहस मत करना मतलब ऐसा है कि पार्टी तो सन एंड मून के घर में ही हो रही है लेकिन वो उस पार्टी से भैया इनवाइटेड नहीं है

है ना सन थोड़ा बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं मून उसको परेशान करती है सन जो है वो थोड़ा मतलब बिल्कुल ही सीरियस टाइप का है एंड वो क्योंकि सन बड़ा बच्चा है तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे उसमें ये फीलिंग ज़्यादा है उसको ये फीलिंग लग रही है लेफ्ट आउट वाली कि यार घर में पार्टी हो रही है लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े बड़े लोगों की पार्टी है तो आगे देखते हैं भाई एट लास्ट द बेल रैंग यानी अब जो है उन दोनों को तैयार करके नर्स ने रख दिया था रूम में और याद है ना मम्मी ने कहा था कि जब मुझे इन्हें बुलाना होगा तो मैं तुम्हें तो कॉल कर दूंगी सो so, अब जो है घंटी बचती है नर्स पाउंडेड एट देम विदेयर ब्रश फ्लैट एंड हिस्स मेड ह बोस स्टैंड ऑन एंड एनजॉइन देअर हैंड्स ठीक यानी नर्स पाउंडेड पाउंडेड यानी किसी चीज को बोलते हैं ना मारना टाइप पर ऐसा नहीं जोर से मारना जैसे मान लो आपके पास हेयर ब्रश है है ना दो बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनको कैसे पकड़ के आप ऐसे जल्दी से सर से जो है एकदम बाल बाल कोम करते हो उनके है ना उनकी जो है बो वगैरह बिल्कुल ठीक यहाँ जो बो लगते हैं उसको सही करते हो है ना और जो है उनको खड़ा करके उनके हाथ जो है एक साथ जोड़ देती हैं डाउन यू गो विस्पर्स अब तुम चले जाओ नीचे एंड डाउन दे वेंट वो नोकझोंक चलती रहती है लेकिन मून जो है छोटी बहन है उसको बड़ा पसंद आता है कि उसको भैया का भैया हाथ पकड़ के वो जा रही है नीचे स्वंग हर आर्म एंड बेल ऑन हर कोरल ब्रेसलेट जिंगल स्वंग का मतलब होता है स्वंग इज पास टेंस ऑफ स्विंग अब तुम्हें पता है 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 झूला होता जो ऐसे ऐसे आगे पीछे झूलता तो ऐसा होता है ना हम बचपन में भी अभी भी कभी मस्ती करनी हो तो आप अपने दोस्तों का या भाई बहन का हाथ पकड़ते हो तो आप उसको ऐसे झुलाते चलते हो तो सेम हरकत जो है मून कर रही थी और जो उसके हाथ में ब्रेसलेट था है ना उसमें से आवाज आ रही थी है ना कोरल ब्रेसलेट जो था वो जिंगल कर रहा था यानी आवाज आ रही थी ठीक है तो यानी अब ये लोग जा रहे हैं नीचे अब आगे देखते हैं एट ड्रॉइंग रूम डोर स्टूड मदर फैनिंग हर सेल्फ विद अ ब्लैक फैन यानी अब तुम एक इमेजिन करो कि ड्रॉइंग रूम का डोर है वहाँ पर उनकी माँ खड़ी थी फैनिंग हर सेल्फ फैनिंग का मतलब क्या होता है ऐसे छोटे छोटे पंखे होते हैं ना हाथ में पकड़ने वाले वो इफ यू कैन आप अगर रिलेट कर सकते हो मूवीज वगैरह में देखा हो बिल्कुल ही जो है हाई uh, क्लास वाले जो होते हैं फॉरन में बिल्कुल बढ़िया से छोटा सा फैन है एंड वो खुद को ऐसे हवा कर रही हैं ठीक है दी ड्रॉइंग रूम वॉज फुल ऑफ स्वीट स्मेलिंग सिल्की रसलिंग लेडीज एंड मेन इन ब्लैक विथ फनी टेल्स ऑन कोट्स लाइक टेल्स तो जैसे ही बच्चे नीचे गए उन्होंने देखा कि ड्रॉइंग रूम के वहाँ पर जो है इतनी सारी जो है लेडीज थी बहुत ही बढ़िया सा परफ्यूम का स्मेल आ रहा था सबका रस्लिंग रस्लिंग यानी अब लेडीज हैं तो कहीं ना कहीं आपस में बातें कर रही होंगी गास्प चल रही हैं है ना आवाज़ आती हुई और जितने भी मैन हैं सब ब्लैक ब्लैक में ड्रेसड हैं है ना और उनके कोच्स में फनी सी टेल्स हैं ठीक तो यानी बहुत सारे गेस्ट जो है आ चुके थे फादर वॉज अमंग से एक खड़े हुए थे जो है जितने भी मैन थे बातें कर रहे थे आवाज करना तो अब जैसे आ, होता है ना कभी आपका कोई कोट वगैरा हो उसकी पॉकेट होती है तो उसमें आप कुछ ढूंढते हो ऐसे ऐसे कुछ पॉकेट में तो हल्की हल्की छन छन की आवाज आती है कि कोई सिक्के रखे हो उसमें कोई चाबी रखी हो तो इस टाइप से जो है फादर अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढ रहे थे what a picture cried the ladies oh the ducks oh the lambs oh the sweets oh the pets तो यानी अब वो तारीफ कर रहे थे कोई फ्रेम लगा हुआ है उसकी जो मस्त-मस्त खाने बने हैं उसकी है ना लेडीज वगैरह जो है तारीफ कर रही थी नाउ नेक्स्ट ऑल द पीपल हु कुडंट गेट अ एट मून के सन एंड अ स्किनी ओल्ड लेडी विद टी दैट क्लिक सेड such a serious little puppet and wrapped him on the head with something hard तो यानी yani, काफ़ी लोग जो है ये नहीं देख पाए जो मून है छोटी बहन है छोटी बहनों को ना बहुत मजा आता है बड़े भाइयों के साथ तो वो जो है ना और बड़ा भाई कहीं ना कहीं थोड़ा चिड़ता है तो उसी दौरान पे जो हम मून ने ना ऐसे क्यूट से जो है ना अपने भाई को जो है किस किया चीक पे और किसी ने जो है वो पिक्चर ले ली प्यारी सी और हो सकता है आप सभी के घर में ही एक पिक्चर हो अपने भाई बहन के साथ है ना तो इस टाइप की एक लेडी ने एकदम से पिक्चर क्लिक कर ली सन लुक टू सी द सेम कॉन्सर्ट वेर बट ही वॉज गॉन इंस्टेड अ फैट मैन विदिक हेड कोई पार्टी हो है ना बहुत ही बढ़िया घर में इतनी सजावटे हुई हूँ इतने खाने की चीजें बनी हूँ सब कुछ हो है ना और आपको क्या बोला गया कि आप बस तैयार हो नीचे आना एंड जाके शांति से सो जाना है ना अडल्ट यानी बड़े लोगों की पार्टी है मम्मी पापा और उनके फ्रेंड्स की पार्टी है तो कितना अजीब सा फीलिंग आता है जो कि सन के साथ हो रहा है तो वो वहां देख रहा है जो पियानो रखा गया था वहाँ पे एक मोटा सा आदमी बैठा है और उसके पास में एक लड़की है जिसके हाथ में एक वायलिन है ठीक देर वॉज ओनली वन मैन दैट सन रियली लाइकड अब सिर्फ एक ऐसा आदमी होगा उनके यानी पेरेंट्स का फ्रेंड होगा जो सन जिसको बहुत पसंद करता था ही वॉज अ लिटिल ग्रे मैन विथ लॉन्ग ग्रे वॉकड अबाउट बाय हिमसेल्फ

हाय मेरा बच्चा ये ऐसे बोलते हैं ना प्यार से जो है अंकल आंटी बुलाते हैं हाय टोनू मोनू छोटा बेटा ऐसे करके बुलाते हैं तो वैसे ही उसको बोला हेलो माय लाड देन ही वेंट अवे हेलो बोल के चला गया बट सून ही केम बैक अगेन एंड सेड फॉन्ड ऑफ डॉग्स फिर उसने हेलो करके फिर वो वापस आता है सन के पास कहते हैं तुम्हें डॉग्स पसंद है तो सन कहता है येस यानी ये एक ही इंसान है शायद इन सब में से जिसको सन जो है थोड़ा पसंद करता है कि हाँ ये वाले अंकल जो है भाई अच्छे हैं बट देन ही वेंट अवे अगेन और फिर वो वापस चले गए एंड दोस् सन लुकड फॉर एम एवरीवेयर ही कुडेंट फाइंड हम ऐसे ऐसा होता है ना बचपन में हमें कोई भैया दीदी कोई अंकल आंटी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं क्योंकि जो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं हमसे अच्छे अच्छे से बात करते हैं या कुछ चॉकलेट्स या स्वीट्स आते हैं वो हमें वैसे ही पसंद होते हैं पर्सनली होता है बचपन में है ना तो वैसे ही सन को बहुत पसंद थे पर सन उन्हें बाद में ढूंढ रहा था इधर उधर पार्टी में लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे ही थॉट परहैप्स यू वुड गॉन आउटसाइड टू फेच इन अ पपी तो उसे लगा कि अब तो उन्हें डॉग इतने पसंद है हो सकता है वो बाहर जाके किसी डॉग को देखने गए हो या किसी डॉग के बेबी यानी पप्पी को देखने गए हो अब देखो ये सब जो है मुंह दिखाई करवा दी बच्चों को अब देखो मम्मी क्या कहती हैं उनकी गुड नाइट माई सेड मदर फोल्डिंग अप इन हर बेयर यानी ऐसे उनको गले लग के कहती हैं गुड नाइट माई यानी तुम्हारा काम हो गया ना तुम्हें वो बढ़िया सा खाने को मिलेगा ना पार्टी एंजॉय करने को क्योंकि ये बड़े लोगों की पार्टी है भाई तो आप जाओ और आप सो जाओ फ्लाई अप टू योर लिटिल नेस्ट लिटिल नेस्ट नेस्ट बेसिकली हमें पता है चिड़िया का घोंसला होता है अब क्योंकि बच्चे छोटे छोटे से होते हैं तो उनके लिए कहा जो आप तुम चले जाओ अपने रूम में इस लाइन का क्या मतलब है अपने रूम में चले जाओ देन मून वेंट एंड एंड मेड अ सिली ऑफ ऑफ अगेन शी पुट अप हर आर्म्स इन फ्रंट सेड माय डैडी मस्ट कैरी मी अब इसका मतलब क्या हुआ मून तो छोटी सी बच्ची है तो इतनी भीड़ भरी पार्टी में वो कहती है ऐसे हाथ करती है और कहती है नहीं नहीं भाई पापा लेके जाएंगे मुझे मेरे रूम तक बट दे सीम्ड टू लाइक इट

एंडमेंट आफ दर दे सोसअपरा हो गया था रूम में लेकिन बस बच्चों के लिए आपको पता होगा रूम में एक छोटी सी नाइट लाइट जला के रखते हैं खैर बच्चे नहीं हम भी जला के ही रखते हैं तो है रोशनी बनी रहती है तो सिर्फ उतनी रोशनी थी उनके रूम में अब देखो भाई बहन की कॉन्वर्जेशन चलती है आर यू असलीप आज मून यानी बहन भाई से पूछती है क्या तुम सो गए भाई तो वो कहता है नो सेन आ तो वो भी कहती है नो यानी अब यार बहुत ही बेसिक सी बात है दोनों बेचैन है दोनों लेफ्ट आउट फील हो रहे हैं कहीं ना कहीं बोथ आर असली क्योंकि आपको पता है आपके घर में एक पार्टी चल रही है जिसमें आप इन्वाइटेड नहीं हो तो होता क्या है हम कभी कभार जो राइटर का मेन पर्पस है इस स्टोरी से बताना कि कैसे हमें लगता है बच्चों को समझ नहीं आता है अभी तो ये बच्चे हैं छोटे छोटे बट कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये फीलिंग्स हैं ये सेंसेस हैं एंड लेटर ऑन जो होता है ना अडल्ट यानी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप इसलिए डेवलप होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की फीलिंग्स को उतना रिस्पेक्ट या समझ नहीं पाते हैं अ लॉन्ग वाइल आफ्टर सन वॉक अप अगेन फिर सन उठ जाता है देर वॉज अ लाउड लाउड नॉइज ऑफ क्लैपिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर्स लाइक मैन रेन्स ही हर्ड मून टर्न ओवर यानी अब पता है घर में तो पार्टी शार्टी चल रही है तो लोगों के हंसने की और बहुत जोर जोर से तालियां बजाने की आवाज आ रही थी जैसे कि मान लो बारिश हो रही है तो फिर से पूछती है पूछता है सन मून से कि यार तुम जगी हुई हो तो कहती है हाँ yes, well, let's go and look over the stairs. अब दोनों को मन करता है कि नीचे जाते हैं और सीढ़ियों से जाके नीचे देखते हैं कि चल क्या रहा है ठीक दे हैड जस्ट गॉट सेटल्ड ऑन द टॉप स्टेप व्हेन द ड्राइंग रूम डोर ओपन एंड दे हर्ड द पार्टी क्रॉस ओवर द हॉल इन टू डाइनिंग रूम तो यानी डाइनिंग रूम का दरवाजा बंद था और जैसे ही वो ऐसे सीढ़ियों पे नीचे खड़े थे कि कोई देख भी ना ले और एकदम से डाइनिंग रूम का दरवाजा थोड़ा खुलता है तो बिल्कुल ही एकदम नहीं पार्टी वाली नॉइस आने लगती है लोग जो है बातें कर रहे हैं सब चल रही है पार्टी शार्टी देन दैट डो वार्ट फिर वो दरवाजा बंद कर दिया गया देर वॉज ऑफ पॉप्स एंड लाफिंग देन दैट स्टॉप एंड सन सॉ देम ऑल वॉकिंग राउंड एंड राउंड द लवली टेबल विद देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक्स लाइक ही हैड डन तो यानी पॉप्स जो होते हैं पार्टी पॉपर्स भी कुछ होते हैं हंसने की आवाज आ रही है और जो है लोग टेबल के अराउंड हाथ पीछे करके ऐसे चल रहे हैं

तो फिर देन मून को कहते हैं मून पूरे टाइम जो है ऐसे मुंडी हिलाती रहती बच्चे होता है बच्चे होते हैं ना छोटे से तो वो कहते हैं कि भाई इतना नॉड मत करो अपना सर को तो कहती नहीं नहीं मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि नॉर्ड कैसे नहीं करते हैं। तो ये जो है एक लाइट कॉन्वर्जेशन चल रही है अब आगे आ जाओ वेन दे वोक अप अगेन दे कुड ओनली हेयर फादर्स वॉइस वेरी लाउड एंड मदर लाफिंग अवे तो यानी अब जो है उन्हें सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही है पापा की और मम्मी की दोनों की आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से हंसने की ठीक है फादर केम आउट ऑफ द डाइनिंग रूम बाउंडेड द स्टेयर्स Nearly fell over them. यानी अब यानी लेकिन बाउंडेड यानी दो स्टेयर्स छोड़ के, यानी, जल्दी में जब हम जाते हैं तो ऐसे ऐसे स्टेयर जो है स्किप करते हुए जाते हैं तो अब उनके पापा आते हैं रूम से बाहर और वो एकदम सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं और इतनी तेज कि वो जो है नियरली फेल ओवर देम यानी वो बच्चे वहाँ पे खड़े थे सीढ़ी पे ऐसे झांकते हुए तो उनके ऊपर ऑलमोस्ट वो गिर ही गए थे हेलो ही सेड बाय जो ऑफ किटी कम एंड लुक एट दिस यानी मदर केम आउट ओ यू नॉटी चिल्ड्रन सेड शी फ्रॉम द हॉल लेट्स हैव देम डाउन एंड गिव देम अ बोन सेड फादर सन हैड नेवर सीन हिम सो जॉली यानी उन्हें अपने पेरेंट्स बिल्कुल ही अलग दिख रहे हंसते तो तो कही इन इन तो मस्ती में अरे आ जाओ बच्चों चलो नीचे तो मम्मी भी कहती है आ जाओ जाओ भाई इनको जो है अपन कुछ खाने को देते हैं चलो आ जाओ तो सन ने अपने पेरेंट्स को इतना जॉली यानी इतना हंसते खेलते कभी नहीं देखा था राइट नो सर्टेली नॉट सेड मदर माई डैडी डू डू हैव डाउन सेट इज मून तो अब मून तो है छोटी बच्ची है तो कहती है नहीं नहीं हमें प्लीज नीचे लेके चलो आई एम हैंगड इफ आई वोट क्राइडर आई वोट बी बुलेट किटी वे देयर एंड ही कॉ दन अंडर ईच आर्म तो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो उनको लेके आऊंगा तो एक हाथ में उनने मून को उठाया एक हाथ में सन को उठाया और नीचे लेके आए सन थॉट मदर वुड है अब क्योंकि मम्मी ने तो मना किया लेकिन पापा जो है उन्हें फिर भी ले आ रहे थे तो सन ने तो जो नेचुरली उसके साथ होता है हर बार यही सोचा कि मदर जो है ड्रेडली क्रॉस क्रॉस का बेसिकली यहाँ मतलब होता है कि कोई आर्ग्यूमेंट होना या गुस्सा होना ड्रेडली यानी बहुत ज़्यादा तो ड्रेडली क्रॉस ड्रेडली क्रॉस यानी सन ने सोचा कि मम्मी बहुत गुस्सा होंगी पापा ने उनकी बात नहीं मानी और अब वो हमें नीचे लेके आ रहे हैं लेकिन भाई यहाँ तो कहानी कुछ और थी बट शी वॉजेंट शी ऑन लाफिंग एट फादर मतलब वो हंसे जा रही थी तो सम हाउ अदर ऑल ड्रंक यानी उनके मम्मी पापा हैं पार्टी थी बॉल पार्टी थी सो so हैविंग तो तभी वो जो है इतना हंस रहे हैं खेल रहे हैं राइट ओ यू ड्रेडफुल बॉय सच शी बट शी डिड नॉट मीन सन तो मम्मी कहती हैं ओ यू ड्रेडफुल बॉय तो यहाँ से बॉय से उनका मतलब जो है अपने बेटे को नहीं कह रही थी शी वॉज सेडीज come and have some pickings pickings का मतलब होता है बचा बचाकुचा खाना यानी अब इतनी बढ़िया जो है मिष्ठान भंडार बनाए थे लेकिन वो तो पार्टी वाले लोगों के लिए थे जो आए थे उनके फ्रेंड्स वगैरह बच्चों को क्या मिला बच्चों को देने को मिला और लेफ्ट ओवर जितना फूड बचा हुआ था said this jolly father but moon stopped a minute mother your dress is right off one side तो मून रुकती और कहती मम्मी आपकी ड्रेस तो यहां से ना इट्स इट्स गेटिंग ऑफ वन साइड ना एक साइड से गिर रही है

कुछ घंटे पहले भाई वो डाइनिंग रूम एकदम सजा दजाता एवरी थिंग वॉज गुड एंड जैसे ही बच्चों ने एंटर किया सब उथल पुथल था सब कुछ बिखरा हुआ था द एंड द ऑल पुल्ड अनटाइड जितनी भी रिबिन लगी थी गुलाब के फूल थे सब जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे द लिटिल रेड टेबल नैपकिन ले ऑन द फ्लोर

को बुलाता है पापा प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस तो यानी ऐसे कह रहे हैं प्रिटेंड कर रहे कि हमको नहीं समझ आ रहे मून लिफ्टेड दिप ऑफ अ पजामा लेग्स एंड शफल्ड अपू द टेबल एंड स्टूड अ चेयर क्वीकिंग अवे तो मून ने जो है अपने पैजामा को ऊपर किया क्योंकि गंदगी हो रही थी और बिल्कुल ये जो है ऊपर जाके बैठ गई है

है ना क्योंकि खाने की डिश थी वो तो वो बचा हुआ था तो वो जब से सुबह से देख रही थी बनता हुआ और उसको बहुत मन हो रहा था मनोरथा छूले वो तो अब फाइनली मून को मौका मिलता है कहती है क्या मैं ये खा सकती हूँ बट अब कहानी दूसरी होती है मून को तो मजा आ रहा था क्योंकि वो छोटी है उसको ज्यादा समझ नहीं आता है बट सन डिड नॉट मूव फ्रॉम द डोर सन नहीं हिला दरवाजे से वो वहीं पे था सडनली ही he his head and एंड गेव loud wail. Wail यानी एक बोलते हैं ना बहुत जोर से कंप्लेन करना है नहीं मुझे नहीं आना है मतलब ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने आई थिंक इट्स हॉरिड हॉरिड ही sobbed. हॉरिड यानी बहुत ही unpleasant नज़ारा है लाइक like, ये हो क्या गया है आप लोगों को अगर हम ऐसा करें तो आप तो हम लोग को कितना डांटते हो इट्स वेरी हॉरिड उसको अब मम्मी पापा डांटने लगे कि दिस मोमेंट ऑफ यू गो यानी यहाँ से तुम चले जाओ तुम कोई जगह नहीं पसंद आ रही ना तुम यहाँ से जाओ बिकॉज देर ऑल एंड वेलिंग लाउडली सन स्टम्प ऑफ टू द नर्सरी और बहुत ही जोर से रोते हुए कंप्लेन करते हुए वो चला गया वहां से नर्सरी में चला गया यानी ये बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और ये ना एज गैप आ जाता है कि अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं ठीक है मानती हूँ पेरेंट्स अडल्ट पार्टी है उसमें आप बच्चों को ना बुलाएं लेकिन एटलीस्ट यू नीड टू गिव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन टू द किड्स या आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको कुछ आप फन एक्टिविटी करा दें एंड देन भेजें ताकि वो भी सैटिस्फाइड हो इस चीज़ से क्या होता है ना इस चीज़ से एक बहुत बड़ा एज गैप बिल्ट हो जाता है एंड देन लेटर ऑन यही होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं तो इस जो है बात पे हमारी ऑथर ने काफी ज्यादा फोकस किया है सो आई होप आपको स्टोरी समझ आई है कैसे वेस्टर्न कल्चर में वहाँ की या कहीं भी जो हम माने कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन में ऐसा गैप बिल्डअप नहीं होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए सो ओवर हेयर यहां पे ऑथर ने जो है बच्चों का चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव देखा है कि कैसे उनकी भी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है उन्हें सब चीजें समझ नहीं आती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फील नहीं होता है दे डू फील थिंग्स कि कुछ तो गड़बड़ है तो पेरेंट्स शुड हैव दैट ड्यूटी कि वो अपने बच्चों को समझाएं एंड उस गैप को जो है अच्छे से बिल्डअप करें सो so, अगर स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो टचिंग लगी हो डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें मैग्नेट ब्रेंस हिंदी मीडिया में कैसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अगैन भाई नोट्स तो मिलते ही हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी लिंक देख सकते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में जो ये लेसन था हमारा सन एंड मून उसकी एक्सरसाइजेस कवर करेंगे सो स्टे ट्यून टिल देन गुड बाय